हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय ट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम चॉइस इंटरनेशनल कंपनी की डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इस कंपनी की शेयर प्राइस 467 रुपये और आज के दिन 2.5% की तेज़ी हमें देखने को मिली। पिछले 5 दिन में 1.5% के नेगेटिव रिटर्न दिए, 1 महीनों में 8% के पॉजिटिव रिटर्न, 6 महीनों में 55% के पॉजिटिव रिटर्न, 1 साल में 55% के पॉजिटिव रिटर्न, 5 सालों में 55% के पॉजिटिव रिटर्न और मैक्सिमम रिटर्न्स की बात करें तो 55% के पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं। इस कंपनी की शुरुआत 8 अप्रैल को हुई थी, तब इस कंपनी की शेयर प्राइस 301 रुपये थी, अभी ये 467 रुपये देखने को मिल रहा है। तो क्या इस कंपनी के शेयर को हमें खरीदना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए? तो जैसा कि हम कंपनी के बिजनेस एंड फंडामेंटल्स की बात करें, तो ये जो कंपनी है फाइनेंशियल सेक्टर, सर्विस सेक्टर में बैंकिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विस एंड टू बिजनेस एडवाइजरी में वर्क कर रही है, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन, टेक्निकल सर्विस। और मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो 2319 करोड़ का है। स्टॉक का लो 113 रुपये, स्टॉक का ही 481 रुपये। यहाँ बात करें ROC 17% है, रिटर्न ऑन इक्विटी 16% है, डेप्ट टू इक्विटी 0.53 है, यानी 219 करोड़ का डेप्ट है। यहाँ बात करें कंपनी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस रिजल्ट की, जो कि यहाँ पे कंटिन्यूस बढ़ते हुए देखने को मिले थे। इस क्वार्टर कंपनी का प्रॉफिट में काफ़ी गिरावट देखने को मिली है। और यहाँ ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हमें देखने को मिला, 54 करोड़ एंड 48 करोड़। कंपनी के रिजर्व्स की बात करें तो कंपनी के रिजर्व्स कंटिन्यूस बढ़ते हुए देखने को मिले। इसी के साथ साथ कंपनी का बोरिंग्स भी काफ़ी बढ़ रहा है, 151 करोड़ से 219 करोड़ का। कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो 51% के स्टेक्स यहाँ कंपनी के प्रमोटर्स के पास है, जो कि यहाँ धीरे धीरे कम होते हुए देखने को मिले हैं। इसी के साथ साथ FIS के पास 7% के स्टेक्स हैं, बाकी पब्लिक होल्डिंग 41% हमें देखने को मिली है। BSE पर इस स्टॉक के एनालिसिस करते हैं तो ये आप यहाँ देख सकते हो, ये जो कंपनी है बोनस देने वाली है 1:1 का। साथ ही कंपनी यहाँ पर राइट इश्यूज लेकर आई थी 19 जनवरी को। अगर आप 22 तारीख से पहले इस कंपनी के शेयर को खरीदते हो, मतलब आज आपके पास आखिरी मौका था इस कंपनी के शेयर को खरीदने का, तो आपको 1:1 का यहाँ पे बोनस देखने को मिलता। और यहाँ पे बात करें कंपनी के अदर पैरामीटर्स की, तो आप यहाँ देख सकते हो 22 सितंबर यानी कल के दिन इस स्टॉक में और गिरावट हमें देखने को मिलेगी। एक्चुअली वो गिरावट नहीं होगी, वो बोनस की वजह से इस स्टॉक के प्राइस में हमें कम देखने को मिलेगा। लॉन्ग टर्म के लिए फंडामेंटल के हिसाब से बात करें तो इस कंपनी के फंडामेंटल्स हमें ठीक देखने को मिल रहे हैं, कोई खास यहाँ पे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग नहीं है। अगर आप इस कंपनी के शेयर को खरीदना चाहते हो तो आपको पेशेंस रखना होगा, तभी आपको ये कंपनी अच्छा रिटर्न दे सकती है। बट आपको इस नेक्स्ट क्वार्टर के जो रिजल्ट हैं उस पर नज़र रखनी चाहिए। और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।